नमस्कार साथियों, ईटीसी एंड एलआरटीसी की तरफ से बनाए जा रहे ई वीडियो लेक्चर की श्रेणी में आज हम कंट्रोल सिस्टम के ऊपर एक वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, जिसमें आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है। इसको रिडक्शन टेक्निक का यूज करते हुए इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। बेसिकली ओपन लूप में ओनली सिंगल ब्लॉक डायग्राम होता है, जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में टू ब्लॉक डायग्राम होते हैं, जिसको अपन ने रिडक्शन टेक्निक की सहायता से उसका कंट्रोल सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन निकाला था। इसमें आपको दिया है मोर देन टू ब्लॉक डायग्राम दिए हुए हैं, जिसको आपको रिडक्शन टेक्निक का यूज करते हुए इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यह आपका आर इनपुट सिग्नल है, सी आपका आउटपुट सिग्नल है, और यहाँ पे G1, G2, G3 एंड H चार ब्लॉक डायग्राम दिए गए हैं। दो आपको समेशन पॉइंट, फर्स्ट एंड सेकंड समेशन पॉइंट दिए गए हैं। आपको दिख रहा है जैसे ये दो ब्लॉक डायग्राम सीरीज में लगे हुए हैं, बट यहाँ पे इस पॉइंट होने की वजह से अपन इनको सीरीज में मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, और G3 को G1 के साथ भी अपन ऐड नहीं कर सकते हैं। दोनों ब्लॉक डायग्राम पैरेलल में लगे हैं भी, क्योंकि यहाँ पे ये G2 बीच में आ गया। अतः फर्स्ट स्टेप अपन क्या करेंगे, यहाँ पे से जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन उठा के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इस प्रकार अपन इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो जब इस पॉइंट को अपन यहाँ शिफ्ट करेंगे, जो यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पर अब इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो वो G1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होके आएगी। अतः इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तब अपन यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम ऐड करेंगे, जिसकी वैल्यू होगी 1/G1। कैसे करेंगे, देखो इस प्रकार, ये आपका इनपुट सिग्नल है R, ये प्लस और ये माइनस, ये आपका G1 हो गया, ये ऐसे आ रहा है, और ये आपका G2 हो गया, और ये आपका समेशन पॉइंट हो गया। इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तब यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम ऐड हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 1/G1, ठीक है, और ये आपका G3 हो गया, और ये यहाँ पे हो गया, ये आपका C आउटपुट हो गया, और ये आपका H हो गया फीडबैक सिग्नल। अभी आपको दिख रहा है कि ये आपका एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बन रहा है, और ये दोनों ब्लॉक डायग्राम सीरीज में लगे हैं, अतः इनका इक्विवेलेंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में अपन ये करेंगे, ये दोनों क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बना हुआ है, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, G1/1+G1H, ये आपका R इनपुट, और ये दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, G3/G1, ठीक है, और ये आपका हो गया G2, ये इसके साथ ऐसे लगा हुआ है, और ये आपका समेशन पॉइंट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये दोनों किस में लगे हुए हैं, ये दोनों आपके लगे हुए हैं पैरेलल में, तो इनका दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, दोनों का समेशन तो क्या हो जाएगा, G1/1+G1H, ये आपका R, और ये दोनों का ऐड हो जाएगा G3/G1+G2, ये आपका C। अब आपको दिख रहे हैं ये दोनों ब्लॉक डायग्राम किस में लगे हुए हैं, सीरीज में, तो टोटल कितना हो जाएगा, आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, C
अपॉन आर बराबर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, जी वन वन प्लस जी वन एच मल्टीप्लीकेशन जी थ्री जी वन प्लस जी टू। इसको सोल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा, जी वन अपॉन वन प्लस जी वन एच, ये हो जाएगा आप अलग उत्तम लोगे तो जी वन प्लस जी टू जी वन अपॉन जी वन, ये जी वन से जी वन कैंसिल आउट हो गया और टोटल आपका आ गया ट्रांसफर फंक्शन कितना आ गया, आपका ट्रांसफर फंक्शन आ गया फाइनली जी थ्री प्लस जी टू जी वन अपॉन वन प्लस जी वन एच, ये आपका हो गया टोटल ट्रांसफर फंक्शन। और तो हमने देखा कैसे रिडक्शन टेक्निक का यूज़ करते हैं अपन ने इनका ट्रांसफर फंक्शन निकाला। थैंक यू।